आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जिसकी तलाश तो सबको होती है पर वो मिलती सबको नहीं है, और अगर गलती से कभी मिल भी जाती है तो ऐसा लगता है नहीं अभी तो नहीं मिली है, अभी तो कुछ और हमको चाहिए। ये वो चीज है जो खुशहाली से भी अहम होती है। हैप्पीनेस तो बड़ी ही मोमेंटरी चीज होती है, लम्हे के अंदर ही कैद होती है वो हैप्पीनेस। लेकिन जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी कैफियत है जो सस्टेन कर सकते हैं आप, और उस चीज का नाम है करार, यानी सुकून, यानी कि चैन। पीस इज एनी डे मोर इम्पोर्टेंट देन हैप्पीनेस। आई थिंक पीस को ही हैप्पीनेस कहा जा सकता है। इस एपिसोड में हम अगर करार की बात करेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि हम बेकरारी की बात ना करें। तो ये सारी अहम बातें, जरूरी बातें आज पॉडकास्ट में होने वाली हैं, लेकिन इन सबसे भी सबसे ज्यादा अहम बात ये है कि हमें तोता मैना की म्यूजिक प्ले करनी है। तो पहले वो प्ले करते हैं फिर पॉडकास्ट शुरू करते हैं। द क्विंट पे शुरू हो चुका है उर्दू नामा, मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात करने वाले हैं करार की। करार सुनकर ही मुझे बहुत सारी चीज़ें अचानक से दिमाग में आने लगती हैं। सबसे पहला जो मेरा तजर्बा था टू सीक पीस वॉज व्हेन आई वॉज इन माई फर्स्ट जॉब। आई वॉज जस्ट 22, तभी मैंने रेडियो करना स्टार्ट किया था। मतलब इट वॉज वन ऑफ द टॉप रेडियो स्टेशंस ऑफ इंडिया, दिल्ली स्टेशन में आई वॉज एम्प्लॉयड, एंड मैं सीख भी रही थी और गलतियाँ भी जाहिर सी बात है बहुत कर रही थी। लेकिन जाते के साथ ही मुझे पहला शो मिल गया। खैर 2 से 5 मेरा टाइम स्लॉट था जब मैंने स्टार्ट किया था। 2 से 5 कहा जाता था, उस टाइम पर समझा जाता था कि जो लोग कॉलेज जाते हैं वो ट्यून इन करते हैं उस टाइम पर, मतलब कॉलेज गोइंग जनता के लिए कंटेंट बनाया जाता था 2 से 5 के बीच में, और मैं वो शो किया करती थी। बहुत गलतियाँ की, बहुत मजाक अपना उड़वाया, लेकिन उस बेचैनी की वजह से बहुत कुछ सीख लिया था मैंने। बेकरारी होती थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हुआ करती थी मुझे हमेशा स्टूडियो में एंटर करने से पहले, और उससे भी ज़्यादा धाएँ 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 दिल मेरा धड़कता था जब मैं अपना माइक ऑन करती थी और मैं सोचती थी कि मैं क्या वाकई में सही काम कर रही हूँ। एम आई इन द राइट जॉब, एम आई द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। सेल्फ डाउट तो इतना था मेरा कि कई बार ऐसा लगता था कि चक्कर आ जाएगा मुझे और मैं गिर जाऊँगी, इस हद तक एंग्जाइटी हुआ करती थी मुझे। लेकिन खैर चीज़ें खराब इसलिए लगती थी क्योंकि हमने सीखा नहीं था। एक बार जब हमने सीख लिया, सब कुछ कॉन्फिडेंस आ गया सीखने के बाद, तो ऐसा लगा ये तो बहुत ही आसान है यार, अब तो कुछ और मुश्किल करना चाहिए, कुछ और चैलेंजिंग करना चाहिए। तो वो जो बेकरारी का वक्त था मेरा, वो मेरा बहुत खूबसूरत वक्त था। ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि हर बेकरारी बुरी नहीं होती है, यानी करार पाने के लिए जो आप रास्ता इख्तियार करते हैं उस रास्ते पे बहुत सेल्फ डाउट होगा, बहुत तकलीफें होंगी, चैलेंजेस होंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि यार हो नहीं रहा है, यू नो आई शुड क्विट। मैंने भी सोचा था मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे रेडियो होस्ट बनना ही नहीं है, मैंने तो कॉपी एडिटर बनना है, मैंने एड सेल्स ज्वाइन करनी है, मैं उन जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए एड्स लिखूंगी, रेडियो एड्स लिखूंगी। इतनी हताश हो गई थी मैं। लेकिन वो ये, आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और जिसे निखारने की आप लत लगा लेते हैं, वो फिर निखर के ही निकलती है चीज़। इसीलिए अगर आपने ऐसी कोई चीज़ शुरू की है जिसको लेकर आप काफ़ी डाउटफुल हैं, तो वो डाउट अपनी जगह ठीक है, डर भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो काम करिए, डरते डरते करिए, नर्वस होते होते करिए, श्योरिटी के ना होने के बावजूद वो आप काम करिए, लेकिन करिए ज़रूर। मूविंग ऑन इज द की। और मूव ऑन करते ही मोमिन खान मोमिन की देखिए ये खूबसूरत सी गजल का एक शेर आ गया है कि वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो। यही तो बात है, शायर के लिए करार क्या है? महबूब, बस वसल है उसके लिए करार, और जब वसल नहीं होता है तो बेचारे महबूब के पीछे पीछे फिरता रहता है। अच्छा याद करो तुम वो, याद करो जब हम साथ थे, याद करो कितने सुकून से कितने खुश थे हम। तो मोमिन खान मोमिन के शेर में भी वही बात है कि वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा हका तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मुझे तो सब कुछ याद है भाई, मैं तो इसीलिए इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। बेगम अख्तर की गजल थी, उन्होंने गाई थी मोमिन की गजल, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, याद तो होगी। मुस्तफा खैराबादी का भी अब आप ये शेर सुनिए कि ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ। और सबसे कंफर्टेबल पोजीशन यही होती है जब आप पे कोई प्रेशर ही ना हो,
ना किसी के नूर बनिए आप, ना किसी का करार बनिए, अपनी जिंदगी आराम से मगन होके जिए। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, किसी काम में जो ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। ना दवाए दर्द जिगर हूँ मैं, ना किसी की मीठी नजर हूँ मैं, ना इधर हूँ मैं ना उधर हूँ मैं, ना शकेब हूँ ना करार हूँ। मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, वो खिजां से बाग उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। पाए फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शमा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार हूँ। ना मैं लाग हूँ ना लगाव हूँ, ना सुहाग हूँ ना सुभाव हूँ, जो बिगड़ गया वो बनाव हूँ, जो नहीं रहा वो सिंगार हूँ। मैं नहीं हूँ नगमाए जान फजा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या, मैं बड़े बिरोग की हूँ सदा, मैं बड़े दुखी की पुकार हूँ। ना मैं मुस्तर उनका हबीब हूँ, ना मैं मुस्तर उनका रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। गजल पढ़ के ऐसा लग रहा है नहीं भाई, ये पोजीशन भी होनी नहीं चाहिए किसी की, इस स्पॉट में भी कोई होना बहुत अच्छी बात नहीं है। दाग दहलवी का बाप ये शेर सुनिए कि ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, ना तुझे करार होता ना मुझे करार होता। ये तो अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जब करार दोनों पार्टीज में से किसी को नहीं होता है, और दोनों ऐसे सर फुटावल पे आमादा होते हैं कि ना एक दूसरे को बोलने देता है ना दूसरा एक को बोलने देता है। वो बेकरारी का मंजर भी कोई शायर लिखे तो हम जाने। फैज अहमद फैज का अब आप ये किता सुनिए, इसको मैंने फैज स्पेशल जो दो टू पार्ट सीरीज हमने की थी उसमें भी आपको सुनाया था कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। अच्छा, एक करार होता है जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, जैसे कि फैज ही का ये एक शेर है कि तेरे कौल व करार से पहले अपने कुछ और भी सहारे थे, यानी तेरे साथ रिलेशनशिप में आने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले मेरी लाइफ में कई दूसरी तरह की सपोर्ट्स थी, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स थे। अब या तो शायर छेड़ रहा है महबूब को कि तुझसे भी पहले बहुत सारे थे जिनसे मुझे चैन था, या फिर शायर ये कह रहा था कि मैं पहले बड़ा ही कमजोर हुआ करता था, मेरे बहुत सारे सहारे हुआ करते थे, एक नहीं कई ऐसे लोग थे जो मुझे सहारा दिया करते थे, आई वॉज काइंड ऑफ लोनली, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब तू ही एक वाहिद सहारा बन गया है मेरे लिए, एंड आई फील मोर स्ट्रॉन्ग व्हेन आई एम विद यू। इंटरप्रिटेशन है, कैसे भी पढ़ सकते हैं। अब आती है बात बेकरारी की, और जब बात आती है बेकरारी की तो कौन सा गाना आता है जहन में? अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। शकील बदायूनी का ये शेर है और इसकी म्यूजिक दी है नौशाद अली ने। नौशाद अली म्यूजिक डायरेक्टर भी थे और शायर भी थे। बेकरारी पे उनका भी एक शेर है, उन्होंने लिखा है कि एक बेकरार दिल से मुलाकात कीजिए, जब मिल गए हैं आप तो कुछ बात कीजिए। बेकरारी कुल मिला के एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा तसव्वुर है जो शायर के लिए मेलंकली का जरिया है। जरिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर तरह की क्रिएटिविटी द शायर डिराइव्स फ्रॉम दिस मेलंकली। तो एक तरह से शायर डिजायर भी करता है, बेकरारी की उसको एक तलाश भी रहती है, क्योंकि मोहब्बत का दूसरा नाम ही बेकरारी है, तो फिर हर तरह की क्रिएटिविटी की, हर तरह के आर्ट फॉर्म की गजा भी बेकरारी ही है। तो बेचैनी को हमेशा बुरी तरह से, मतलब बुरे सेंस में नहीं लेना चाहिए, बेचैनी कैन बी अ रियली कंस्ट्रक्टिव थिंग, आप उस पे बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं बेकरारी के ऊपर। दाग दहलवी का आप ये शेर सुनिए, यू मेरे साथ दफ्न दिले बेकरार हो, यू मेरे साथ दफ्न दिले बेकरार हो, छोटा सा एक मजार के अंदर मजार हो।
और शायर ही नहीं बल्कि हर आशिक की यही दास्तान है कि जो महबूब है वो उसका जालिम है, वो उसका कातिल है। अच्छा, उर्दू शायरी में एक और बड़ी दिलचस्प चीज है कि जो महबूब है, जिस पे दिल आ चुका है शायर का, उसे वो एक कातिल की तरह देखता है। द एक्ट ऑफ फॉलिंग इन लव उसे वो कत्ल कहता है कि मेरा कत्ल कर दिया है उन आंखों ने, उन निगाहों ने। इस तरह के एक्सप्रेशन आपको शायरी में कई बार मिल जाएंगे। यहाँ तक कि उर्दू नामा का बाकायदा हमने एक तवील पॉडकास्ट का एपिसोड भी बनाया था कातिल के ऊपर, और हमने एक वीडियो भी बनाई थी। पहले हम जब उर्दू नामा की वीडियोस बनाया करते थे तो उस टाइम की बात है कि हमने कत्ल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि उर्दू शायरी में कत्ल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वही बात है कि महबूब या तो कातिल होता है या जालिम होता है। जब जालिम होता है तो नज़ीर अंसारी का भी शेर सुनिए कि करार तुझको दिले बेकरार आ जाए, करार तुझको दिले बेकरार आ जाए, तड़प कुछ ऐसे कि जालिम को प्यार आ जाए। वाह, ये हुई ना बात। करार तुझको दिले बेकरार आ जाए, तड़प कुछ ऐसे कि जालिम को प्यार आ जाए। अब बेकरारी की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो आइए आपको एक बेकरार शायर का कलाम सुनाती हूँ। ये बेकरार शायर दरअसल शायर इनकलाब हैं। इनका नाम है जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी के वक्तन फवक्तन मैं आपको अशार सुनाती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ। जोश की जो नज्म अब मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ उसका नाम है हुस्न और मजदूरी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये नज्म एक ऐसे मजदूर के ऊपर लिखी गई है जो मजदूर औरत है। शायर को फिक्र हो रही है इस औरत की कि ये ऐसी धूप में बैठकर, ऐसी बेचैनी में, परेशानी में पैसा कमा रही है, इतने मेहनत और मशक्कत का काम कर रही है, जिन हाथों में मेहंदी और कंगन होने चाहिए थे वो हाथ पत्थर तोड़ रही हैं। जोश लिखते हैं, एक दोशीजा सड़क पर धूप में है बेकरार, चूड़ियां बजती हैं कंकर कूटने में बार बार, चूड़ियों के साज में ये सोज है कैसा भरा, आंख में आंसू बनी जाती है जिसकी हर सदा, गर्द है रुखसार पर जुल्फें अटी हैं खाक में, नाजुकी बलखा रही है दीदए गमनाक में, उस जबी पर और पसीना हो झलकने के लिए, जो जबी ने नाज हो अफशां छिड़कने के लिए, भीख में वो हाथ उठे इल्तजा के वास्ते, जिनको कुदरत ने बनाया हो हिना के वास्ते। बहुत बीच बीच में से आपको अशआर उठा के मैंने सुनाए हैं इस नज़्म के। बेकरारी की वजूहात यहाँ पे थोड़ी मुख्तलिफ हैं। अभी तक शायर अपने महबूब की मोहब्बत में मुब्तला होकर शायरी कह रहा है, अशआर लिख रहा है। जोश की जो नज़्म है, और जोश जैसे बहुत सारे जो शायर हैं जो कि इनकलाबी शायरी लिखते हैं, उनके लिए बेकरारी की वजह कुछ और है। जैसे कि साहिर लुधियानवी की बहुत सारे आपको नज़्में मिलेंगी इस टॉपिक पर। बेकरारी की वजह जब मजदूरों को सड़क के ऊपर तपती गर्मी में सोते हुए देखते हैं तो कैफी साहब की आपको नज़्म याद आती है। और कौन सी है वो नज़्म? उस नज़्म का नाम है मकान। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। ये और इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशंस बेकरारी का ही बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक बेकरार शायर के ऊपर हमने टू पार्ट सीरीज की थी फैज़ अहमद फैज़ पर। पिछले दो एपिसोड्स उर्दू नामा के फैज़ साहब को ही हमने डेडिकेट किए हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ ज़रूर सुन लीजिएगा। अगले हफ्ते भी इसी तरह का एक एपिसोड होगा। अगले हफ्ते का जो थीम है, चले मैं आपको बता देती हूँ, उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ की हम बात नहीं करेंगे, एक चीज़ की बात करेंगे जिसके अलग अलग नाम हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी, अगले हफ्ते ही पता लगेगा कि हम किसकी बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। I'll see you again next week. खुदा हाफिज़। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली है फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।